प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नबी मिक्का का ग्रंथ छठो अध्याय आठो वाक्य में ईश्वर हमसे कहते हैं, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और ईश्वर तुमसे क्या चाहते हैं। हम भाई बहनों, हमारे जीवन में हमारे माता पिताओं के जरिए, हमारे गुरुजनों के जरिए, हमारे बंधुजनों के जरिए, संतों के जीवन के जरिए किसी न किसी तरीके से मेरे और आपके जीवन में उचित क्या है या ईश्वर का चाहत क्या है उसी के बारे में हमें पहले से ही बताया गया है। उन्हें बताए हुए उसी राख से हमें फ्रस्ट नहीं होना चाहिए। आज प्रभु के दिव्य सानिध्य में रहते समय अगर मेरे जीवन में उन्हें बताए हुए मार्ग से अलग हुआ है या ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मेरे जीवन को अच्छे से नहीं बनाकर रखा है तो मुझको क्या करना चाहिए। आज पवित्र सुसमाचार के जरिए ईसा मसीह हमसे ही कहते हैं कि पश्चाताप करें। एक ही मौका है, एक ही समय है हमें पश्चाताप करने का और प्रभु की ओर उन्मुख होने का, क्योंकि ईसा मसीह वहां पर दो उदाहरण हमारे सामने पेश कर रहे हैं। पहला है उन गलीलियों का जिनके रक्त पिलातुस ने बिल पशुओं के साथ मिला दिया था और उन्हीं लोगों का जान जो सिलोवों के मीनार में दब के मर गया था। अचानक हमारा मौत आएगा या किसी के कहने पर नहीं या किसी कार्य करने पर नहीं बल्कि हमारा अनजान में हमारा जान दिया जाएगा, तब हमें पश्चाताप करने का कोई मौका भी नहीं रहेगा। इसलिए आज प्रभु के इसी वचन को मेरे और आपके जीवन में उतर के आते समय मेरे जिंदगी में उचित पश्चाताप किस तरीके से उचित निर्णय लेकर प्रभु के सान्निध्य की ओर बढ़े और अपने मन को परिवर्तित करते हुए नए जीवन जीने का संकल्प ले। प्रभु कृष्ण अपने आशीषों से हम सबों को परिपूर्ण करें।